ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। तेल अवीव से चौथी फ्लाइट से 274 भारतीय नागरिक पहुंचे दिल्ली। स्वदेश पहुंचे नागरिकों ने मोदी सरकार का जताया आभार। गजा में बड़े जमीनी, समुद्री और हवाई हमले की तैयारी में इसराइल। बड़े एक्शन की आहट को देखते हुए हजारों लोगों को उत्तरी गजा से दक्षिण की तरफ पलायन। अमेरिका ने इसराइल की सहायता के लिए भेजा दूसरा समुद्री बेड़ा। टकराव में अब तक 3600 से अधिक की मौत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री का द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने किया नमन। शिक्षा और नवोन्मेष में अभूतपूर्व योगदान के लिए देश कर रहा है डॉक्टर कलाम को याद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 जख्मी। प्रधानमंत्री ने जताया दुर्घटना पर गहरा शोक। मृतकों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 की राहत राशि की घोषणा। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने। इंग्लैंड के खिलाफ पहली जीत के लिए अफगानिस्तान के सामने बड़ी चुनौती। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने इसराइल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। वीके सिंह ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। और वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इसराइल में रह रहे भारतीय लोगों को वापस स्वदेश लाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सही समय पर सही निर्णय लेने की वजह से हम नागरिकों को स्वदेश ला रहे हैं। अंतर्गत चौथी फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और तकरीबन 270 से अधिक पैसेंजर्स को लेकर वापस आई है भारत। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मिशन को, क्योंकि 3 फ्लाइट्स आ चुकी हैं, चौथी भी आ चुकी है और आगे भी प्लान है। कि लोगों से प्रतिक्रिया अच्छी मिल रही है, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटीज बंद है, कुछ अभी हो नहीं रहा है और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, काफी लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने उनको सबको लाने के लिए एक पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसके लिए है। अभी स्पाइस जेट की फ्लाइट आ रही है, यही वापस जाएगी शाम को। फिर जो बाकी लोग हैं, जैसे जैसे लोग बाग आते हैं जो अपने को रजिस्टर कर रहे हैं एम्बेसी में, उनको लेकर आ रहे हैं। सर, हमने पिछले भी कई फ्लाइट्स में जो लोग आए थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा टाइमली है, तो चूंकि आप भी इस बारे में जानते हैं कि क्या परिस्थिति वहां पर खड़ी है लोगों के लिए और कितना खतरा है उसके बीच में। नहीं, मैं तो कहूंगा कि मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समझा है कि टाइमली क्या चीज होती है। नहीं तो आमतौर पर जब भी हमने मिशंस किए हैं वो तब देर हो जाती है, उसके अंदर लोग बाग निकलते नहीं है, लोग बाग आना नहीं चाहते। जब हम लोग कहते हैं भाई अभी आप रजिस्टर करिए और चलिए, तब कोई नहीं करता। यहाँ पर मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हुआ है और जो लोग आना चाहते हैं, खासकर आपने देखा होगा शुरू की जो फ्लाइट है उसमें बच्चे काफी थे, क्योंकि चीजों के लिए थोड़ी तकलीफ लोग बाग सोचते होगी, तो इसलिए लोग बाग आ गए। सर,
सर, आपने तो कई इवैक्यूएशन मिशन्स को खुद भी मॉनिटर किया है, किस तरीके से देखते हैं जो भारत का पेस है कि अब इवैक्यूएशन मिशन्स बड़े सीमलेस होते हैं? हमने ऑपरेशन गंगा भी देखा, आपको भी देखा था, आप एक बॉर्डर पे मौजूद थे। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा संदेश जनता को दिया है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी फंस जाएंगे तो भारत सरकार आपके बचाव में आपको लेकर आएगी। और जितनी भी चीज आप देखते जाइए, यमन देखिए आप, इराक देखिए आप, लीबिया देखिए, कुछ भी, तो यूक्रेन देख लीजिए, कोविड के दौरान देख लीजिए, जहां पर भी जरूरत पड़ती है सरकार पूरे तरीके से। और अब ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई, हमारे विदेश मंत्रालय में भी, हमारे नागर विमानन मंत्रालय में भी, ये चीजें सब स्ट्रीमलाइन है। और मैं तो कहूंगा पत्रकारों के लिए भी स्ट्रीमलाइन है, ताकि आपको पता है कि किस तरीके से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, पहले नहीं पता चलता था। तो ये अभी अच्छे नियोजित तरीके से सब काम हो रहे हैं। और ये एक ही कारण है इसका, प्रधानमंत्री जी की सोच और समय पर निर्णय देना। और स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। अजय के अंतर्गत जो चौथी फ्लाइट है 274 लोगों के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो लोग मौजूद हैं जो इसराइल से वापस भारत आ चुके हैं ऑपरेशन अजय के अंतर्गत। हम कुछ लोगों से यहां पर बात करेंगे और जानेंगे उनके कैसे अनुभव रहे हैं और किस तरीके से वो यहां पर पहुंच पाए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सिचुएशन क्या रही और किस तरीके से एम्बेसी ने आपको कॉन्टेक्ट किया है, क्या सिचुएशन वहाँ पर खराब है ही जैसे हम जानते हैं। और एम्बेसी ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट ग्रुप से लेके जो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे पास आए, और हम स्टूडेंट यूनियन भी जो ग्रुप था तो उनसे हम लोग की लिस्ट लेके इवैक्यूएशन हुआ पॉसिबल, एंड वी वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा इवैक्यूएशन प्रोग्राम था जिन्होंने, उसमें बच्चों को आके पहले तो एम्बेसी सबसे अच्छे से वहाँ पे यूनिवर्सिटी आई है, हमसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा तुम्हें इवैक्यूएट किया जाना चाहिए, इफ यू वांट टू बी इवैक्यूएटेड तो विल डू दिस प्रोग्राम, एंड उन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, एंड विद इन टू डेज उन्होंने हमें बराबर से इवैक्यूएट किया, वहां से बराबर कॉन्टैक्ट आया, मैसेज आया, एंड एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। इट्स अ रियली ग्रेट ऑपरेशन फॉर अस, एंड आई विल रियली लाइक टू थैंक गवर्नमेंट of India, okay, because actually yes, people were saying yes, Tel Aviv is a bit safe, but actually not, because yesterday we heard lot of sirens, and even when we were at airport, वहाँ पे भी हमने siren सुना, okay, and हाँ missiles आ रही थी continuously, so no one knows कि future में क्या होने वाला है, so thank you so much, finally we are here. Around I believe 250 plus passengers were there in this flight. And all the arrangements were done were pretty good. And honestly, Indian Embassy done a fantastic job there. सेफ्टी को देखते हुए भारत सरकार ने इवैक्यूएशन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जैसे कि वार टाइम हो सकता है और एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, तो इवैक्यूएशन एक अच्छा डिसीजन था। बहुत बढ़िया इनका उन्होंने इंतजाम किया है और बड़ी सेफली लेके आए हैं ये लोग, सब चीज उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोवाइड करी है उन्होंने हमारे लिए। And we came safely. बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इसराइल हमास संघर्ष के एक सप्ताह बाद इसराइल की सेना गजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसराइल ने संयुक्त जमीनी, समुद्री और हवाई ऑपरेशन की बात कही है, हालांकि इसराइली सेना ने अभी ये नहीं बताया कि ये कार्रवाई कब शुरू होगी। कल देर शाम इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन सैनिकों से मिले जो इस ऑपरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच गाजा में इसराइल के हवाई हमले जारी हैं। इसराइल उत्तरी गाजा के निवासियों को दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाने को कह चुका है। खबरों के अनुसार हजारों लोग गाड़ियों, बैलगाड़ियों और पैदल दक्षिणी इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक लगभग 3600 लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल का कहना है कि उसके 1300
लोगों की मौत हुई है, जबकि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2300 लोगों की मौत होने का दावा किया है। इस बीच इजरायली फौज ने कहा है कि रविवार को लेबनान के अंदर से इजराइल के एक सीमावर्ती गांव शुतलाम पर एक एंटी आर्मर मिसाइल दागी गई, जिससे कम से कम 4 लोग हताहत हो गए हैं। और वहीं इजराइल और गजा सीमा पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त इसराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं कुछ ही किलोमीटर यहां से है, उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इसराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इसराइल ने ये कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो फिलिस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इसराइल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेवस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इसराइल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने के लिए की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इसराइल इस बात को मानता है या क्या इसराइल इस मिलिट्री ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास, अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं, ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट करते हैं, तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजरायल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम पहुंचे, जहां प्रसिद्ध ट्रॉन क्वोक पैगोडा में वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन्स ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री एक्स पर गर्मजोशी से व्यक्तिगत स्वागत के लिए बुई थान सोन को धन्यवाद उन्होंने कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, 18वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं। जयशंकर कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 15 से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का दौरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, जबकि 23 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा रात 1 बजे के करीब समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर में 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित संभाजी नगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे के वैजापुर इलाके में हुई है। और वहीं महाराष्ट्र के संभाजी नगर के भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड, अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना आज चेंगम के पास उस समय हुई जब एक कार और लॉरी आमने सामने टकरा गए।
टक्कर इतनी भीषण थी कि सातों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले दिन ही वे शिक्षण में लौट आए थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्मेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धी होने में मदद करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को एकेडमिक, लेखक, वैज्ञानिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, रामनाथपुरम जिला कलेक्टर तिरु बी विष्णु चंद्रन, रामनाथपुरम से सांसद के नवासकानी ने उनकी स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर कलाम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चहेते रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। पीएम ने राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ज्ञान और विज्ञान के अद्भुत संयोजन ने से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने में अहम योगदान दिया। संघर्ष से शीर्ष तक का उनका सफर न केवल देश बल्कि संपूर्ण मानव जगत के लिए एक विरासत है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम का जीवन देश के युवाओं को नई सोच व समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर उन्हें नमन। और साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी सही दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास टू अभियान शुरू किया है। नेशनल हाईवेज बिल्डर्स फेडरेशन NHBF के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की गई। NHBF से ये सुनिश्चित करने को अनुरोध किया गया था कि सभी ठेकेदार इस महीने की 25 तारीख तक अपने दावे दायर करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि विवाद से विश्वास टू योजना कानूनी विवादों में उलझे लंबित मामलों को निपटाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये योजना किसी कारणवश बंद पड़ी कार्यशैली पूंजी के उपयोग का रास्ता खोलने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का राहत अभियान जारी है। वायुसेना के चिनूक और MI-17V5 हेलीकॉप्टर राहत मुहिम में लगे हुए हैं। अब तक 1700 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने अब तक लगभग 99 टन राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 315.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। जो संपत्तियां अटैच की गई हैं वो NCP के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य ईश्वर लाल शंकर लाल जैन लालवानी और उनके बेटे मनीष ईश्वर लाल जैन लालवानी से संबंधित है। इनमें 3 कंपनियों की संपत्तियां भी हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। राज्य में मनाली और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। और अब बात शारदीय नवरात्र की।
आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित हैं। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। अलग अलग तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज और वैष्णो देवी की। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। माता के दरबार में पहुंचे भक्तों से हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर ने बातचीत की। किसी को अगर स्वर्ग की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो शायद ये दृश्य जो है स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ फ्रूट्स लगे गए हैं, यहाँ पे सारे फ्रूट्स असली, एक भी फ्रूट नकली यूज नहीं किया। यहाँ एक एक चीज ऑर्गेनिक यूज की गई है, सब बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ की हवा में खुशबू है, जादू है। हमारा सौभाग्य था, एक तो माँ ने आज टाइम दिया हमें बहुत ज्यादा अपने पास खड़े होने का या बैठने का, और दूसरा जो भवन की सुंदरता है वो अपने आप में मतलब देखने को लगती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं माता रानी के चरणों में हूँ और मेरे को लग रहा है मैं स्वर्ग में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और बहुत इंतजाम भी बहुत अच्छा है। आज जीवन में पहली बार नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी की बहुत ज्यादा कृपा है, मैं तो हर नवरात्रि आती हूँ, माता रानी बुला लेती है और इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। माता रानी सबको बुलाए और सब दर्शन करें, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से है। उस आरती में बैठ के तो एनर्जी, वजन, वो सब में एक वाइब भी अलग था। श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि उनका अनुभव जो यहाँ पे है वो एक उच्च स्तर का अनुभव है और उन्हें एक जो वाइब्स की फीलिंग हम कहते हैं वो यहाँ पे जरूर हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी यही प्रयास है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके ताकि उनकी यात्रा मंगलमय रहे। देवेंद्र ठाकुर, दूरदर्शन समाचार, वैष्णो देवी भवन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। जय माता दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने नवरात्रि के पहले दिन जम्मू के बाहू किले के परिसर में स्थित मंदिर के दर्शन किए। और भोपाल में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है और नवरात्र के पहले दिन से ही मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इस समय हम भोपाल के मां भवानी मंदिर में, और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहां पर भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। लोग सुबह से ही पूजा पाठ करने के लिए, विशेष अनुष्ठान करने के लिए मंदिर में पहुँच रहे हैं। माँ की दिव्य मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि विशेष रूप से सजाया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएँ भी पहुँच रही हैं। लोग आज से 9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और माँ दुर्गा समेत जो नौ देवियाँ हैं उनकी आराधना करते हैं। नवरात्रि का ये पर्व जो है सुख शांति समृद्धि के लिए जाना जाता है और इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। और राजधानी भोपाल सहित जितने भी मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, तमाम जगहों पर विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ किए जा रहे हैं। साथ ही झांकियाँ जो है वो स्थापित की जा रही हैं, मूर्ति स्थापित करने का, कलश स्थापित करने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और आज से 9 दिन तक देवी की आराधना के साथ साथ गरबा डांडिया और तमाम जो देवी के आराधना के जो तरीके हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे और पूरे भोपाल में तमाम जगहों पर देवी की स्थापना की जा रही है। कैमरामैन अमजद रजीव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और वनडे विश्व कप में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का यह तीसरा मैच रहेगा।
पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से हार मिली थी, जबकि दूसरा मैच टीम ने बांग्लादेश को हराया था। वहीं अफगानिस्तान को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।